क्या आप जानते हैं 70 साल तक ईगल कोमल होता है और जब 40 साल का होता है तब चोंच टेढ़ी हो जाती है और ये इसकी वजह से शिकार नहीं कर सकता। साथ ही इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि इसे उड़ने में तकलीफ होती है और पैर के नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद ये मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं, और यदि पकड़ भी लेते तो चोंच से उसे मार नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल में ही ईगल अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी जगह पर चला जाता है और जो चोंच है उसे सामने वाले पत्थर पर मारना चालू कर देता है, और जब चोंच उस पत्थर पर मारे जाते हैं तो उसे पीड़ा होता है और वो पीड़ा वो सहता है। पत्थर पे मारने से खून बहता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पेड़ के नाखून होते हैं उसे शिला के ऊपर रगड़ता है और रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। और हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब चोंच निकलती है, फिर चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपना जिस्म से अपना ही पर उखाड़ता है क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। हर ईगल इस प्रोसेस से गुजरता है अपनी जिंदगी से। 40 साल इस